सर्व पितर मोक्षामोक्षा जो है पितरों के उद्धार के लिए कही गई है। पितरों की तिथियां यदि हमें किसी मृत व्यक्ति की तिथि स्मरण नहीं है तो हम उस दिन अमावस्या के दिन सभी पितरों का आह्वान करते हैं, सभी पितरों को बुलाते हैं कि हे पितर देवता आप आइएगा और हमारे परिवार पर आशीर्वाद प्रदान करिएगा। यदि किसी मृत व्यक्ति की हमें तिथि पता नहीं है, मालूम नहीं है, तो हम सभी पितरों को यहाँ पर निमंत्रण प्रदान करते हुए बुलाते हैं कि हे पितर देवता आप की तिथि हमें पता नहीं, आप किस दिन स्वर्ग लोकवासी हुए हैं, इसलिए हम आपका पूजन आपका आह्वान कर रहे हैं। कैसे क्या श्राद्ध पूजन करना चाहिए पितरों को अमावस्या के दिन? श्राद्ध पूजन के लिए सर्वप्रथम किसी भी नदी के तट, गंगा, नर्मदा, शिप्रा, जो भी आपके निकट तीर्थ हो, उस तीर्थ में या तो फिर घर पर ही गंगा जल डाल करके और स्नान करें और उसी के पश्चात वस्त्र धारण करने के पश्चात वस्त्र धारण करें और सरसों का तेल का दीपक संध्याकालीन 4 दीपक अपने घर की चौखट के पास लगाएं और उनका स्मरण करें कि हे पितृ देवता आप हमें आशीर्वाद प्रदान करते हुए जाएं और आप हमें परेशान ना करें, किसी प्रकार से हमें कोई आगे परेशानी ना आए, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आदि बनी रहे। पितृ परमेश्वर भगवान आपसे हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आपका आशीर्वाद हमारे कुटुंब पर, हमारे वंश में वृद्धि हो, हमारे घर में परिवार में सुख शांति बनी रहे। इसी प्रकार भगवान पितरों का हम स्मरण करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। उस दिन दिन में प्रातःकालीन 12 बजे दोपहर में जब भी हमें समय मिले भगवान विष्णु का पूजन भी कर सकते हैं और पितरों का स्मरण कर सकते हैं।